बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र के महीने में काले चने लेकर उनका सदका कर दो, हर हाजत ऐसे पूरी हो जाएगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। दौलत मांगोगे दौलत मिल जाएगी, जितनी मांगोगे उतनी मिल जाएगी। और अगर आप अपने किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी आपके कदमों में होगी, आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह ताला पूरी कर देंगे। दौलत रिस्क पैसे किसी चीज़ की कमी बाकी ना रहेगी। बस आपने क्या करना है, आपने काले चने ले लेने हैं और सफ़र के महीने में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देने हैं। प्यारे बहन भाइयों, काले चनों का सदका आपने कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है उसको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी ज़रूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल वाकिया प्लैनेट को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। प्यारे बहन भाइयों, आपने अपने बड़े बूढ़ों से सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में ज़रूर सुना होगा। पहले तो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका बहुत ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज भी लोग जो दीन का शऊर रखते हैं और दीन को समझते हैं, वो सफ़र के महीनों में काले चनों का सदका देना कभी नहीं भूलते। माह सफ़र के अलावा बाकी जितने भी इस्लामी महीने हैं उनमें सफ़ेद चीज़ों का सदका देना सबसे ज़्यादा अफजल रहता है, लेकिन सफ़र के महीने में सफ़ेद नहीं बल्कि काली चीज़ों का सदका देना ज़्यादा अफजल माना जाता है, क्योंकि सफ़र का महीना बाकी 11 महीनों की निस्बत बिल्कुल जुदा है। जैसा कि आपने भी सफ़र के महीने के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा कि सफ़र के महीने में आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएं जैसे ही ज़मीन पर उतरती हैं तो ये ऐसे लोगों को तलाश करने लगती हैं जिन पर ये आसानी से सवार हो सकें। अब जिन लोगों ने सफ़र के महीने में सदका किया होता है और ख़ास कर काली चीज़ जैसे कि काले चनों का सदका किया होता है, तो ये बलाएं किसी भी सूरत उस शख्स पर सवार नहीं हो पाती। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता, ये उन पर सवार हो जाती हैं और पूरे साल के लिए यानी आइंदा सफ़र का महीना आने तक उनके ऊपर ही सवार रहती हैं। आसमान से उतरने वाली हर बला अपने साथ कोई ना कोई मखसूस मुसीबत और परेशानी लेकर आई होती है, जैसे कि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारी लेकर आती हैं, कुछ रिस्क की तंगी, कुछ बेबरकती, कुछ अचानक आने वाले हादसात, जबकि कुछ लड़ाई झगड़े अपने साथ लेकर आती हैं। अब अगर किसी शख्स पर एक ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ रिस्क की तंगी लेकर आई है, तो वो शख्स सख्त गुर्बत और रिस्क की तंगी का शिकार हो जाएगा। फिर वो शख्स जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर ले, जो मर्ज़ी हिकमत चला ले, कभी भी वो रिस्क और दौलत के हवाले से खुशहाल नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ बीमारी लेकर आई है, तो फिर वो शख्स बीमार रहने लग जाएगा। डॉक्टर लाख कोशिश कर ले, डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आएगी कि उस शख्स को असल मर्ज़ क्या है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप सफ़र के महीने में काले चनों का सदका कर देते हैं तो ना सिर्फ आप महफूज हो जाते हैं, तो ना सिर्फ आप आसमान से नाजिल होने वाली उन तमाम बलाओं से महफूज हो जाते हैं, बल्कि सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने से जिस तरीके से अभी इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, आपकी हर हाजत, हर दुआ, जो भी आपके दिल में है, जो ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह ताला ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर पैसा और रिस्क रखने की जगह नहीं होगी। आप अपने किसी और मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, नज़रे बद से भी काफ़ी हद तक महफूज हो जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, हम आपको बता देते हैं कि आपने काले चनों का सदका कैसे देना है और किस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले मैं काले चने के बारे में बताऊं, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, यह आपका प्यार होता है, इससे हौसला अफजाई होती है और अच्छा लगता है। चनों का सदका देने के लिए आपने बाज़ार से काले चने ले लेने हैं, एक पाव चने का सदका लाजमी करना है। चनों को लाने के बाद आपने काले चनों को पास रख लेना है, अपने पास रख लेने के बाद
आप 3 बार सूरह कौसर पढ़ लीजिए, ये सबसे ताकतवर तरीन सूरत है। तो आपने 3 बार सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। जब पढ़ लेंगे उसके बाद आपने 3 बार ही सूरतुल नास पढ़ लेनी है। सूरह नास भी बहुत छोटी सी सूरह है। जब आप 3 बार सूरतुल नास पढ़ लें तो इसके बाद आपने आखिर में 3 बार ही सूरतुल फलक पढ़ लेनी है। ये बहुत छोटी सी सूरह है। प्यारे बहन भाइयों, सूरह कौसर के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरत है। और इसकी वजह से भी आपको पता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की जानिब से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफ़ा थी। अल्लाह ताला ने सूरह कौसर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिलासा दिया था कि जो लोग आपको अबतर कह रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाह, वो असल में ख़ुद अबतर हैं और आपका नाम रहती दुनिया तक बाकी रहेगा। और यही चीज़ सूरह कौसर को कुरान पाक की सबसे छोटी और सबसे ताकतवर तरीन सूरह बना देती है। इसी तरह अगर सूरतुल नास और सूरतुल फलक की बात करें तो ये दोनों भी बहुत छोटी छोटी सूरतें हैं लेकिन बेहद ताकतवर हैं। सूरह नास और सूरह फलक पढ़ने वाला जिन और इंसान दोनों के शर की हसद से महफूज हो जाता है। आसमानी बलाएं उस पर नाजिल होने का सोच भी नहीं सकती। अचानक आने वाली मुसीबतों से इंसान मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 3-3 बार सूरह कौसर, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त जो आपने सामने चने रखने हैं उनको आपने सदका कर देना है। काले चनों को आपने सदका किस तरीके से करना है ये भी नोट फरमा लें। सबसे पहली चीज़ ये कि काले चनों को कभी भी आपने कच्चा सदका नहीं करना, यानी बिना पकाए किसी ने, और ना ही आपने काले चनों को सदका करना है, यानी बिना पकाए आपने काले चनों को सदका नहीं करना, आपने इन काले चनों को पका कर सदका करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो काले चनों को सिर्फ उबाल लेते हैं और जब काले चने उबल जाते हैं, अच्छी तरह से गल जाते हैं, तो इनको गली मोहल्ले में या गरीब बच्चों में तकसीम कर देते हैं। अगर आप काले चनों को छोटे छोटे डब्बों में डालकर बच्चों में तकसीम करें तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसी तरह आप उन काले चनों पर नमक वगैरह डालकर और डब्बे बनाकर भी बच्चों में तकसीम कर सकते हैं, या आप भी काले चनों को उबाल कर तकसीम कर देते हैं तो बच्चे वो भी खुशी खुशी ले लेते हैं और गरीबों को रोटी के साथ खाना खिला देते हैं। जैसे ही आप काले चनों का सदका करके घर में दाखिल होंगे, आपको अपनी खुली आंखों पे यकीन नहीं होगा। आपके तमाम बंद रास्ते, आपकी तमाम मुश्किलात इंशाअल्लाह ताला ऐसे दूर होने लगेंगी कि आपको समझना मुश्किल है। आप सारा साल मुझे दुआएं देते नहीं थकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल वाकिया प्लैनेट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकअल्लाह। अल्लाह सदा खुश रखे। आमीन।